morning, friends. Myself, Satish sir. पिछले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा सबका रेशियो के बारे में कि ये क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उसके कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पर्टिकुलर एंगल के बारे में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का वैल्यू निकालना जानेंगे कि इसका वैल्यू किसी भी टी रेशियो के केस में, जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, टैन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये सब हम लोग जानेंगे। अब आप देखिए कि इसको निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में बता रहे हैं कि 30 और 60 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के आधार पर आप 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको हम यहां पर आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो अब आप लोग यह बतलाइए कि इज यू हैव एनी ट्रायंगल, हैव यू एनी ट्रायंगल हुज इच एंगल्स आर गिवन और नोन। तो योर आंसर इज यस सर, ऑब्वियसली इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। मतलब यदि आपसे हम यह पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसके सभी एंगल के बारे में आपको मालूम हो, तो आप कहेंगे कि हाँ सर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि उसका सभी एंगल हमेशा 60 डिग्री ही होता है। इच एंड एवरी एंगल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं और यहां पर हमने एक ट्रायंगल बनाया इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल पॉइंट दे दिए ए बी सी। यहां पर हमने क्या लिखा कि हेयर ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेट इट्स इच साइड इज ए यूनिट ए यूनिट। तो ए बी भी ए यूनिट के बराबर है, ए सी भी ए यूनिट के बराबर है, सिमिलरली बी सी भी ए यूनिट के बराबर है, ये भी ए यूनिट के बराबर है, ये भी ए यूनिट के बराबर है। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर ए डी ऑन बी सी, ए से एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आप यहां देखिए इन ट्रायंगल ए बी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी गिवन। एंगल डी एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन। सो ट्रायंगल ए डी congruent triangle ABC by RHS, hence
BD equal to CD and angle BAD equal to angle CAD by CPCD. इसमें कोई दिक्कत? सबसे पहले हमने क्या किया कि BC पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए AD, जो इसको दो कॉन्वेंट ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ABC। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट है तो BD इक्वल टू CD, ये हो गया, और ये एंगल बराबर इस है। अब आप जानते हैं कि हेयर BD इक्वल टू CD इक्वल टू A बाई टू, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल C इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल BAD बराबर एंगल CAD इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हम नाउ इन ट्रायंगल ABB एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर होगा, इक्वल टू A का स्क्वायर माइनस A बाई टू का होल स्क्वायर, इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई फोर, इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर बाई फोर, AD स्क्वायर AD बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 A बाई टू, रूट अंडर 3 A बाई टू। ठीक है, अब आप देखिए, नाउ इन ट्रायंगल एबीडी एबी इक्वल टू ए यूनिट, एडी इक्वल टू रूट 3 बाई टू ए यूनिट, और बीडी इक्वल टू ए बाई टू। ठीक है, अब यहां और एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री भी है, ई इक्वल टू ए डी, बी इक्वल टू बी डी एंड एच इक्वल टू ए, सो साइन 60 डिग्री इक्वल टू P by H मतलब AB by AB इक्वल टू रूट 3 by 2 A by A, A और A कैंसिल, इक्वल टू रूट 3 by 2 cos 60 डिग्री इक्वल टू BD by AB इक्वल टू BD है A by 2 यूनिट, A by 2 by A equal to A by 2 into 1 by A equal to 1 by 2 tan 60 degree equal to AD by BD, AD by BD equal to root 3 a by 2 b
by a by 2 equal to root 3 a by 2 into 2 by a. A a cancel, 2 2 cancel, बराबर root 3. इसी तरह से आप cos x 60 degree equal to ab by ad equal to a by root 3 a by 2 equal to 2 by root 3 sec 60 degree equal to ab by ad bd equal to a by 2 equal to a into 2 by a equal to 2 और cos 60 degree equal to cos 60 degree equal to bd by ad equal to a by 2 by root 3 a by 2 equal to a by 2 into 2 by root 3 a equal to 1 by root 3. ठीक है, अब एक चीज यहां देख लीजिए कि यहां पर चूंकि यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल भी 60 डिग्री होगा और आपको जैसा कि हम बताए हुए हैं कि जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके सामने का साइड द साइड अपोजिट टू गिवन एक्विलेटरल इज नोन एज परपेंडिकुलर. तो इस ट्रायंगल में फॉर एंगल 60 डिग्री एंगल बी के लिए एडी परपेंडिकुलर होगा. ये 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है तो ए बी आपका हाइपोटेनस हो जाएगा तो स्वाभाविक है. और ये सी बी डी इक्वल टू ए बाई टू, बी डी इक्वल टू एस एंड इट इज इक्वल टू ए बाई टू. जब आप पाइथागोरस थ्योरम से एडी का वैल्यू निकाले तो ये निकल गया रूट 3 ए बाई टू, ये निकल गया. अब आप देखिए कि इस ट्रायंगल में हम साइन 60 के केस में निकालते हैं तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस. साइन 60 बराबर पी बाई एच मतलब रूट 3 बाई 2 ए बाई ए और इसको कैलकुलेट किए तो हमको रिजल्ट आ गया रूट 3 बाई 2. कॉस 60 बराबर हमको रिजल्ट आ गया 1 बाई 2. टेन 60 बराबर रूट 3, देख लीजिए यहां टेन 60 इक्वल टू ए डी बाई बी डी रूट 3 ए बाई 2 बाई ए बाई 2 इसको कैलकुलेट किए तो रूट 3. कॉस एक्स 60 सेक्स 60 कॉस 60. यहां भी देखिए साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो गया 60 के केस में, कॉस का रेसिप्रोकल सेक हुआ और कॉट 10 का रेसिप्रोकल कॉट हो गया. इस तरह से 60 डिग्री का केस में सभी टी रेशियोज का 60 डिग्री के केस में आपका वैल्यू निकल गया. ठीक है, अब यदि ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल बी बराबर है 60 डिग्री, एंगल डी बराबर है 90 डिग्री, देन एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री होगा या नहीं? तो फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए इन ट्रायंगल ए बी डी वेयर एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री आप कहेंगे कि पी इक्वल टू बी डी एच इक्वल टू ए बी एंड बी इक्वल टू ए ये इक्वल टू ए बाई टू ए बी इक्वल टू ए और ये रूट थ्री ए बाई टू. अब हम इसको कैलकुलेट करें तो यहां आपका होगा साइन 30 डिग्री बराबर बी डी बाई ए बी इक्वल टू ए बाई टू
इंटू वन बाई ए इक्वल टू वन बाई टू, कॉस 30 डिग्री बराबर ए बी बाई ए बी इक्वल टू रूट थ्री ए बाई टू इंटू वन बाई ए बराबर रूट थ्री बाई टू, टेन 30 डिग्री इक्वल टू बी डी बाई ए डी इक्वल टू ए बाई टू इंटू टू बाई रूट थ्री ए वन बाई रूट थ्री, कॉसेक 60 डिग्री 30 डिग्री इक्वल टू ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए इंटू टू बाई ए बराबर टू, सेक 30 डिग्री इक्वल टू सेक 30 डिग्री इक्वल टू ए डी बाई ए डी इक्वल टू ए इंटू टू बाई रूट थ्री ए बराबर टू बाई रूट थ्री, और कॉस 30 डिग्री इक्वल टू ए डी बाई ए डी ए डी बाई बी डी इक्वल टू रूट थ्री ए बाई टू इंटू टू बाई ए इक्वल टू रूट थ्री। तो आपने क्या देखा, साइन 30 डिग्री बराबर आपका निकल गया 1 बाई टू, कॉस 30 डिग्री बराबर रूट थ्री बाई टू, टेन 30 डिग्री बराबर 1 बाई रूट थ्री, कॉसेक 30 डिग्री बराबर टू, सेक 30 डिग्री बराबर टू बाई रूट थ्री, एंड कॉट 30 डिग्री बराबर रूट थ्री। मतलब अब आपको दो वैल्यू मालूम हो गया 30 के केस में और 60 के केस में। यदि आपको कोई कहता है कि साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कह देंगे सर 1 बाई टू, और साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, तो रूट थ्री। यहां पर एक चीज और गौर करने की चीज है, क्या है गौर करना, उसको देखिए कि आप साइन और कॉस दोनों के केस में वैल्यू को देखिए। यहां पर हम तो उसको सिस्टमेटाइज वे में थोड़ा सा लिख रहे हैं, तो आप देखेंगे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें आप देखिए एक केस हम लेते हैं साइन थीटा, जहां थीटा बराबर 0, 30, 45, 60, 90 कुछ भी हो सकता है, और दूसरा लेते हैं हम कॉस थीटा। अब आप वैल्यू को लिखिए, अभी तो हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और यहां पर 30 डिग्री और यहां 60 डिग्री। अब आप साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखिए क्या है, तो 1 बाई टू, कॉस 30 का तो रूट थ्री बाई टू, टेन 30 का तो 1 बाई रूट थ्री, कॉसेक 30 का तो 2, सेक का तो 2 बाई रूट थ्री, और कॉट का रूट थ्री। अब इसमें 60 में देखिए, साइन 60 का वैल्यू रूट थ्री बाई टू, कॉस 60 का वैल्यू कॉस 60
का वैल्यू 1/2, tan 60 का वैल्यू √3, cosec 60 का वैल्यू 2/√3, sec 60 का वैल्यू 2 और ये 1 है। ठीक है, ये हमने अभी तक जो हमको मिला, जो हमने निकाला, उसका संबंध ये हो गया कि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट इसका वैल्यू ये। अब यहां पर एक चीज आप गौर कीजिए, देखिए कि साइन के केस में 30 डिग्री का वही वैल्यू है जो कॉस के केस में 60 डिग्री का वैल्यू। यहां देख रहे हैं, ये दोनों बराबर है। इसी तरह से ये दोनों आपका बराबर है। क्यों ऐसा है? इसलिए कि ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। 30 और 60 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट एंगल टू इच अदर, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट एंगल टू इच अदर। ये इस तरह का है, कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो चूंकि यह कॉम्प्लीमेंट है इसलिए साइन 30 बराबर कॉस 60 के और कॉस 30 बराबर साइन 60 के। ठीक है, एक दूसरे का, केवल एक वैल्यू को यदि हम याद कर रहे हैं तो हमको दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जैसे यदि हमसे कोई पूछ रहा है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो हमको याद करना है साइन का वैल्यू, हमने सब केस में याद कर लिया तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो सर कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होगा। साइन 60 का वही वैल्यू होगा जो कॉस 30 का होगा, साइन 45 का वही वैल्यू होगा, क्या कहते हैं, टेन 60 का वही वैल्यू होगा जो कॉट 30 का होगा। टेन 60 का जो वैल्यू है वही कॉट 30 का है। यहां देखिए, ये और ये, टेन 60 और कॉट 30 दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो है। अब यहां देखिए, टेन 30 तो ये cos 60 के बराबर, cot 60 के बराबर। उसी तरह से यहां cosec और sec के केस में देखिए कि ये दोनों बराबर हो गया और ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो ये चीज हमको देखना होता है, sin और cos एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, sec और cosec एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और tan और cot एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब यदि आपसे हम पूछें कि sin और cosec में क्या रिलेशन है, आप कहेंगे कि सर sin और cosec एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। sin और cosec एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। जबकि यदि हम कहें कि साइन और कॉस में क्या रिलेशन है, तो अब आप कहेंगे कि सर साइन और कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। साइन और कॉस क्या है? एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। साइन का वैल्यू जो होगा वही वैल्यू उस एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री का जो निकालिएगा वह कॉस के केस में होगा। ठीक है, मतलब साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री, ये होगा। ये चीज समझ गए, कोई दिक्कत? अब इसी में हम एक और एंगल बनाते हैं, एक और एंगल हम लेते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल। नाम सुने हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल में क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी? तो सर आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल जो है
आइसोसेलस राइट एंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही, लेकिन रेस्ट दो एंगल जो होंगे वो निश्चित तौर पर 45 डिग्री होंगे, क्योंकि उसका दो साइड इक्वल है। आपने आइसोसेलस ट्रायंगल में पढ़ा है कि क्लास 9 में इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है, इन एनी ट्रायंगल। तो अब यहां पर आप देखिए कि हम लोग एक राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल ले रहे हैं, लेट एबीसी एबीसी इज राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री ए बी इक्वल टू बी सी एंड इफ ए ए यूनिट देन बी सी ऑल्सो क्लियर। मतलब हमने क्या लिया, यहां पर आप लिखेंगे, अब हम लोग 45 निकाल रहे हैं, तो लेट ए बी सी इज राइट एंगल एंगल आइसोसेलस इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 एंड ए बी इक्वल टू बी सी ए बी इक्वल टू बी सी सो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। जानते हैं आप कि यदि इक्वल साइड्स का एंगल जो होगा वो भी इक्वल होगा, तो एंगल ए बराबर एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। सो हेंस एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 होगा, मतलब ये 90 है और ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। यदि इसको हम x ले लें, ये भी x, तो 2x प्लस 90 बराबर 180, तो 2x बराबर 90, तो x बराबर 45, तो ये 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया। अब इसमें किसी भी केस में लेंगे तो 45 का वैल्यू निकलेगा। अब आप देखिए यहां पर नियम पाइथागोरस के हम का यूज करते हैं, ए बी हमको मालूम है, बी सी मालूम है, तो ए सी पता कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे नाउ ए सी इक्वल टू रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर टू ए स्क्वायर इक्वल टू रूट टू ए। ए सी बराबर क्या निकल गया, तो रूट टू ए। क्लियर, यहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब ए बी बराबर, लेट हमने किया कि ए बी इक्वल टू बी सी इन आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस राइट ट्रायंगल ए बी सी, जहां राइट एंगल कहां है, तो एंगल बी पर, तो एंगल बी 90 डिग्री है, ए बी बराबर बी सी के है बराबर ए यूनिट। तो जब एसी का हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाले तो ये निकल गया ए यूनिट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे चलिए, अब हम लोग फॉर एंगल ए या सी दोनों में 45 ही है इसलिए बात बराबर ही होगा, तो फॉर एंगल ए या फॉर एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री P इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए और H इज इक्वल टू ए सी इक्वल टू रूट टू, ठीक है। अब आप निकालिए साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो P बाई एच मतलब ए बी बाई ए सी इक्वल टू ए बाई रूट टू ए इक्वल टू 1 बाई रूट टू।
एसी इक्वल टू ए बाय रूट टू ए इक्वल टू वन बाय रूट टू, टेन 45 डिग्री इक्वल टू ए बी बाय बी सी इक्वल टू ए बाय ए इक्वल टू वन, कॉसेक 45 डिग्री इक्वल टू ए सी बाय ए बी इक्वल टू रूट टू ए बाय ए बराबर रूट टू, सेक 45 डिग्री बराबर ए सी बाय बी सी इक्वल टू रूट टू ए बाय ए इक्वल टू रूट टू, और टेन 45 डिग्री कॉट कॉट 45 डिग्री इक्वल टू बी सी बाय ए बी इक्वल टू ए बाय ए इक्वल टू वन। इस तरह से अब आपको एक और फॉर्मूला मिल गया, टेन 45 डिग्री के केस में आप सभी एंगल का मेजरमेंट जान गए कि 45 डिग्री साइन 45 बराबर क्या होता है 1 बाई रूट टू, कॉस 45 बराबर 1 बाई रूट टू, टेन 45 बराबर 1, कॉसेक 45 बराबर रूट टू, सेक 45 बराबर रूट टू और कॉट 45 बराबर 1। तो ये आपका निकल गया। इस तरह से हम लोग 0 डिग्री, इस तरह से हम लोग 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री इस तीन एंगल का वैल्यू निकालना, टी वैल्यू निकालना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर वैल्यू निकालना हम लोग समझ गए भाई। ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल प्रोसेस से आपने इस तीन का समझ लिया। अब अगले वीडियो में हम 0 और 90 का भी बताएंगे। अभी हम आपको किसी का शॉर्ट में, चूंकि इसका सभी वैल्यू को याद रखना कभी कभी किसी किसी बच्चे के लिए दिक्कत हो जाती है, तो आप उसको कैसे याद करेंगे, इसलिए एक हम सिंपल सा प्रोसेस आपको बतला रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझने की जरूरत है और इसको समझ लीजिएगा तो आप कभी इसको भूल नहीं जाएंगे। इसमें क्या कर रहा है इसको हम निकालते हैं। आप सबसे पहले तैयार हो गया हमारा। अब इसमें करना क्या है वो देखिए, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपली बहुत सिंपल है। यहां पर 0 से लिखिए, 0, 1, 2, 3, 4 कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 से 4 तक लिख गया है, सबको बाई 4 कर दीजिए, बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 और सब में रूट लगा देता है, सब में रूट लगा देना है बस। हाँ तो देखिए इस
इसमें क्या था, जीरो से फोर तक आप पहले लिख गए, जीरो वन टू थ्री फोर, ईच एंड एवरी टर्न को जीरो को फोर से डिवाइड किए, वन को फोर से, टू को फोर से, थ्री को फोर से, फोर को फोर से, मतलब बाय फोर सबने कर दिया, फिर आपने सब में रूट लगा दिया। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, तो जीरो बाय फोर बराबर जीरो, तो इसका रूट निकल जाएगा जीरो, वन बाय फोर का रूट निकलेगा वन बाय टू, ये और ये कट जाएगा तो यहां पर होगा वन बाय रूट टू, इसका हो जाएगा रूट थ्री बाय टू, और यहां पर फोर और फोर बराबर वन, तो इसका हो गया वन, कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब साइन जीरो बराबर जीरो, साइन थर्टी बराबर वन बाय टू, साइन फोर्टी फाइव बराबर वन बाय रूट टू, साइन सिक्सटी बराबर रूट थ्री बाय टू, और साइन नाइनटी बराबर वन। अब इसी चीज को फिर हम आपको हम बताए थे कि आपको क्या करना है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस, तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा तो नाइनटी, तो कॉस जीरो का वैल्यू वही होगा जो साइन नाइनटी का होगा, तो साइन नाइनटी का वैल्यू कितना है वन, और थर्टी का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा तो सिक्सटी, तो साइन कॉस थर्टी का वैल्यू वही होगा जो साइन सिक्सटी का होगा, तो रूट थ्री बाई टू, साइन फोर्टी फाइव, तो फोर्टी फाइव का कॉम्प्लीमेंट्री फोर्टी फाइव ही होता है, इसलिए साइन फोर्टी फाइव बराबर कॉस फोर्टी फाइव, तो वन बाई रूट टू, साइन सिक्सटी बराबर ये कॉस सिक्सटी बराबर, तो सिक्सटी का कॉम्प्लीमेंट्री थर्टी, कॉस सिक्सटी बराबर साइन थर्टी के, तो वन बाई टू, और कॉस नाइनटी का, तो नाइनटी का कॉम्प्लीमेंट्री जीरो, तो कॉस नाइनटी बराबर साइन जीरो, मतलब जीरो, क्लियर, इसको समझ गए। अब आगे देखिए, एक आप फॉर्मूला पढ़े थे, हम आपको बताए थे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो जीरो बाई वन बराबर जीरो, वन बाई टू बाई कितना, तो बराबर हो जाएगा वन बाई रूट थ्री, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा रूट थ्री, और वन बाई जीरो, वन बाई जीरो का वैल्यू हमेशा नॉन डिफाइंड होता है, और मतलब वन बाई जीरो बराबर नॉट डिफाइंड, तो इसको हम नॉट डिफाइन भी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइन, ये रिप्रेजेंट करता है नॉट डिफाइन, डिफाइन। अब यहां साइन का रेसिप्रोकल, तो जीरो का रेसिप्रोकल कितना, वन बाय जीरो, मतलब नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, टू रूट टू, टू बाई रूट थ्री, और वन। अब इसका रेसिप्रोकल सेट में वन, टू बाई रूट थ्री, रूट टू, टू जीरो का तो नॉट डिफाइन, और टेन के केस में तो नॉट डिफाइन, रूट थ्री वन, वन बाई रूट थ्री, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल जीरो, नॉट डिफाइंड का वन बाय नॉट डिफाइंड बराबर जीरो, ठीक है, वन बाय जीरो बराबर नॉट डिफाइंड, वन बाय नॉट डिफाइंड बराबर जीरो, इसलिए हम लोग वहां जीरो। तो इस तरह से आप एक शॉर्टकट प्रोसेस जान गए, जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी और नाइन्टी का सभी केस में, लेकिन इसको